हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्कैपुला। ये स्कैपुला बोन है, हम इसके बारे में सभी कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्कैपुला के बारे में सभी कुछ जानना है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो स्कैपुला जो है वो आपकी कैसी बोन है? स्कैपुला आपकी थिन बोन है, यानी पतली बोन है आपकी ये। स्कैपुला कहाँ प्लेस होती है? स्कैपुला प्लेस होती है आपकी पोस्टीरियो लेटरली, यानी आपकी बैक से जब आप देखोगे, आपकी थोड़े से कैविटी में देखोगे, थोड़े से केज में देखोगे तो ये पीछे प्रेजेंट होगी और लेटरल साइड में प्रेजेंट होगी, ना कि मीडियल साइड में। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें टू सरफेसेस होते हैं। ओके, ये टू सरफेसेस हैं इसके, और इसमें टू सरफेसेस, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री प्रोसेसेस, और अब हम देखते हैं इसके सरफेसेस। सरफेसेस इसके होते हैं दो, कोस्टल और डोर्सल। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सरफेस है डोर्सल सरफेस, यानी पीछे वाला। ये है आपका कोस्टल सरफेस, यानी आपका ये आगे वाला सरफेस है। तो कोस्टल सरफेस में देखते हैं हम क्या मिलता है। कोस्टल सरफेस में होते हैं हमारे, कोस्टल सरफेस कैसा है? कॉनकेव। ओके, ये हमारा कैसा है? कॉनकेव, ठीक है। और इसमें हमारे क्या होती हैं? तीन रिजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये तीन रिजेस में जो थिकेस्ट रिज होती है लेटरल वाली, लेटरल साइड वाली, वो रिज किससे जुड़ी हुई है? लेटरल बॉर्डर से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आपके सेरेटस एंटीरियर मसल का क्या रहता है? इंसर्शन रहता है। तो जब आपकी आर्म एडक्शन में जा रही होती है तो ये हेल्प करता है सेरेटस एंटीरियर को एडक्शन ऑफ आर्म में। देन आपका नेक्स्ट बॉर्डर है डोर्सल। डोर्सल बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि आपका क्या प्रेजेंट है? स्पाइन। ये स्पाइन को अटैचमेंट दे रहा है, ठीक है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला को अटैचमेंट दे रहा है। और ये आपकी स्पाइन ऑफ स्कैपुला क्या कर रही है? ये दो पोर्शंस में डिवाइड कर दे रही है आपके डोर्सल सरफेस को। पहला पोर्शन क्या है? छोटा पोर्शन, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा, दो फोसाज में डिवाइड कर रही है। और ये सारा जो है ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो ये स्पाइन को अटैचमेंट दे रहा है डोर्सल सरफेस, और स्पाइन के डिवाइड कर रहा है डोर्सल सरफेस को सुप्रा स्पाइनस फोसा में और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में। तो ये हमारा सरफेसेस हो चुके हैं। अब हम देखते हैं बॉर्डर्स। हमारे बॉर्डर्स कितने थे? तीन। तो तीन में जो ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। ओके, तो सुपीरियर बॉर्डर कैसा होता है? एज यू कैन सी, थिन होता है और शॉर्ट होता है। आपका लेटरल बॉर्डर कैसा होता है? थिक होता है। ओके, और आपका मीडियल बॉर्डर कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना सुपीरियर बॉर्डर, जो कि आपका थिन है और शॉर्ट है। उसमें देखें कि ये किसके पास है? ये कोरेकोइड प्रोसेस के पास में है आपका। और इसमें क्या प्रेजेंट है? ये इसमें प्रेजेंट है सुप्रा स्कैपुलर नॉच। ओके, ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच है। नेक्स्ट आपका लेटरल एंड है। लेटरल एंड में यहाँ ये आपकी इन्फ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखिए मीडियल में, मीडियल जो आपका बॉर्डर है वो कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? वो इन्फीरियर एंगल से सुपीरियर एंगल तक ये लाए कर रहा है। ओके, सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल के बीच वाला जो बॉर्डर है वो क्या है? मीडियल बॉर्डर। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं एंगल्स की तरफ। हमारे एंगल्स थे थ्री। इनमें सुपीरियर एंगल जो है ये है, इन्फीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। ओके, सुपीरियर एंगल जो है ये कवर्ड रहता है ट्रेपीजियस से, इन्फीरियर एंगल कवर्ड रहता है लेटिसमस डोर्साई मसल से। अगर आपको ट्रेपीजियस और लेटिसमस डोर्साई मसल देखनी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से कवर्ड हैं, दोनों की वीडियोस मसल्स की डली हुई हैं चैनल पर। ओके, तो लेटरल जो है वो कहाँ है? ये लेटरल एंगल है, ठीक है, ये लेटरल एंगल है। अब इस लेटरल एंगल में देखें आप ये कैसा है? ब्रॉड है, चौड़ा है, और ये ग्लिनोइड कैविटी इसमें प्रेजेंट है लेटरल एंगल में। और ये कैसा है? फॉरवर्ड डायरेक्टेड है, और आपका जो लेटरली डायरेक्टेड है और फॉरवर्ड, यानी ये आपका लेटरली प्रेजेंट है ना कि मीडियली। तो ये लेटरली डायरेक्टेड है और फॉरवर्ड है, और क्या है ये? स्लाइटली अपवर्ड, ठीक है, ये नीचे को ना होकर आप देख रहे हो, ये स्लाइटली अपवर्ड है डायरेक्टेड, ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी। अब हम देखते हैं प्रोसेसेस। हमारी कितनी प्रोसेस थी? तीन प्रोसेस थी,
फर्स्ट वन क्या है? कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस कैसी है हमारी, आप देखोगे इधर ये कैसी है, ट्रायंगुलर। स्पाइनस प्रोसेस कैसी है, ट्रायंगुलर है। इसके थ्री बॉर्डर्स हैं, 1, 2 एंड 3, और इसके सरफेसेस कितने हैं, 2, 1 एंड 2। फिर ये डिवाइड कर रहा है आपके डोर्सल सरफेस को स्पाइनस प्रोसेस इंफ्रा स्पाइनस फोसा में और सुप्रा स्पाइनस फोसा में। इसके बाद आपका आता है एक्रोमियन। ओके, एक्रोमियन प्रोसेस में कितने बॉर्डर्स हैं, 1, 2 बॉर्डर्स, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। फिर इसका आपके टू सरफेसेस हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस। ओके, और इसमें एक फैसेट प्रेजेंट है। ये फैसेट क्या करता है, क्लेविकल के लेटरल एंड से आर्टिकुलेशन करने के बाद एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो है उसको बनाता है। ओके, ये फैसेट। नेक्स्ट है आपकी कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस जो है आपकी वो डायरेक्ट होती है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ को डायरेक्टेड होती है, और स्लाइटली लेटरली, यानी ये इसका ये किधर का डायरेक्शन, लेटरली डायरेक्टेड होती है, मीडियली डायरेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी थी प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, पहले हमें लेटरल और मीडियल कैसे पता चलेगा। जो हमारा लेटरल साइड है वो ये है और मीडियल ये है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेटरल है। लेटरल हमें इसलिए पता चलेगा क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी जिस साइड है वो साइड लेटरल है, तो हम इस पोर्शन को हम लेटरली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये डोर्सल है कि ये कोस्टल है। ठीक है, तो डोर्सल जो है उसमें आपकी स्पाइन प्रेजेंट होगी, यानी पीछे वाले पोर्शन में आपकी स्पाइन प्रेजेंट होगी, इसलिए ये डोर्सल है। और जो आपका कोस्टल है वो आपका कॉनकेव होगा। ठीक है, तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि कॉनकेव वाला पार्ट जो है वो कोस्टल सरफेस है, और जो स्पाइनस प्रोसेस है जहाँ पे वो डोर्सल सरफेस है, और जो हमारा लेटरल साइड कौन सी रखनी है, जहाँ ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप साइड डिटर्मिनेशन स्कैपुला के कर सकते हैं। ओके, ग्लिनोइड कैविटी लेटरल रखा जाएगा, तो ये कौन सा स्कैपुला है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। राइट स्कैपुला का स्ट्रक्चर है कि लेफ्ट स्कैपुला का, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, बोन है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताएं, और आप सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन ज़रूर से हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।